अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस किचन में खुश आमदीद। नेचुरल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कि एक सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें आल पाकिस्तान के लिए शानदार 419 वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। अगर तो आपके पास एजुकेशन ग्रेजुएशन है, इंटर, मेट्रिक और प्राइमरी है, तो आपके पास एक शानदार मौका है कि आप नेचुरल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर अप्लाई करें। पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन अप्लाई करने का और इसकी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का इजी पैसा जैश के थ्रू मुकम्मल और आसान तरीके से वीडियो में बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप मेरा चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन गाइडेंस विजिट कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी मैंने कौन बहुत से ही वफाकी सूबाई और प्राइवेट जॉब पर वीडियो भी अपलोड की हुई है, जिन पर अप्लाई करने का मुकम्मल और आसान तरीका मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ। इन वीडियो को भी आप वॉच करें, इंशाल्लाह आपको इनमें भी बहुत फ़ायदा होगा। देखते हैं आज का जॉब रिटायरमेंट। ये आप देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये एक सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। मेल फीमेल इस पर ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविंशियल एलोकेशन है वो आपके सामने मेंशन है। 18 से 25 साल प्लस 5 ईयर की रिलेक्सेशन आपको दी जाएगी, यानी 18 से 30 साल। असिस्टेंट की 18 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएट पास हो के बाद जब अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपका 6 वीक्स का बेसिक आईटी कोर्स लिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। आल पाकिस्तान मेरिट 8 वैकेंसीज हैं, 4 पंजाब की, 2 केपी के, 2 सिंध और 2 बलोचिस्तान की हैं। डाटा एंट्री की टोटल 109 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएशन आपके की हो आपने BSc या इक्वल ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट 10 आल पाकिस्तान की वैकेंसीज, बाकी आप देखें प्रोविंशियल एजुकेशन। स्टेनो टैपस की 3 वैकेंसीज हैं, ये आपके पास एजुकेशन आपके सामने मेंशन है। डाटा कलेक्टर की 30 वैकेंसीज हैं। 24 से 35 साल इसमें आपकी एज एक्सेशन होगी। अकाउंट, ये अकाउंटेंट दरअसल अकाउंट असिस्टेंट इसका नाम है, अकाउंटेंट गलती से उन्होंने लिख दिया। 29 वैकेंसीज हैं। ऑडिटर की 40 वैकेंसीज हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की 35, लोअर डिवीजन क्लर्क की 90, स्टोर कीपर की 15, ड्राइवर की 5, नैब कासिद की 18। अप्लाई कैसे करना, आपने STTS.PK की ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन अप्लाई करना। फीमेल जो उम्मीदवार होंगे उनको इनकरेज किया जाएगा अप्लाई करने के लिए, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ, आपने अप्लाई कैसे करना है, उसकी ऑनलाइन फी पेमेंट कैसे करनी, आपने गूगल में सर्च करना है या ऊपर आप सर्च करें STTS.PK। ऐसे इंटरफेस आपके सामने आएगा, वीओ एड पर आप क्लिक करके ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाएगा। इससे आप एक बार खुद भी थॉरली स्टडी कर सकते हैं, रीड करने के बाद इस पर अप्लाई करें। आप टर्म एंड कंडीशन सारी देख लें, जॉब देख लें, अप्लाई करने का तरीका देख लें। इसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर दी पोस्ट पे क्लिक करना है नेचुरल रिसोर्स पर। तो ऐसा फॉर्म आपके सामने आएगा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जिस अपनी डिजायर पोस्ट पे जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें। स्टूडेंट पर अगर आप बैंक के थ्रू फॉर्म इसके फी जमा करना चाहते हैं तो आप चलान फॉर्म यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा चलान फॉर्म आपको जनरेट कर दिया जाएगा। तो कोशिश करें आप इसके थ्रू अप्लाई मत करें, इसकी ऑनलाइन फी में पेमेंट मत करें। इजी पैसा जैसे इसके थ्रू इजीली आपको बताऊंगा आपने कैसे इसकी फ़ी पेमेंट करनी, ठीक है। अच्छा जी, पेमेंट क्राइटेरिया देखें, 350 रुपीज़ की ऑनलाइन फी पेमेंट है। कहता है बैंक के अलावा आप इजी पैसा, मोबी कैश, जैस कैश के थ्रू भी इसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिनका अकाउंट नंबर अमेज़ान बैंक। अच्छा, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दी हुई है कि आप घर बैठे इजीली इजी पैसा जैस कैश के थ्रू इसकी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे आप इसकी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर देंगे इजी पैसा जैस कैश के थ्रू, तो पेमेंट मेथड आपने यहाँ पे बता देना है कि आपने इजी पैसा से की पेमेंट की है या जैस कैश से की है, ठीक है। जब आप उसकी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर लेंगे तो आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन स्लिप जो आपके इजी पैसा अकाउंट में होगी वो वहाँ से आपने सेव टू गैलरी करके यहाँ पर उसको आपने अपलोड कर देना है। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखेंगे मेरी ट्रांजेक्शन एक स्लिप है, ये मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी। जैसे यहाँ पर स्लिप यहाँ पर अपलोड कर दी तो नेक्स्ट ऐसा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। अपना नेम, फादर नेम, NSC, एज, डेट ऑफ बर्थ, मार्शल शायद स्टेटस अपना बताएं, मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे बताएं, अपना अपना प्रोविंस बताएं, सूबे का नाम, कंट्री, रिलीजन अपना बताएं। अगर मजदूर कोटे से अप्लाई करें तो यस करें, रिस्क नो कर दें। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस करें, रिस्क नो कर दें। नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक करना। इसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। अपनी हायर एजुकेशन बताएं कि आपकी हायर एजुकेशन क्या है। आप देखें आपकी बैचलर, HSSC, 16 ईयर एजुकेशन जो जो आपने किए वो आप इसमें वन बाय वन सारी मेंशन करें। पासिंग ईयर अपना बताएं, मैट्रिक के लिए मैट्रिक से शुरू करें। मैंने मैट्रिक ऐड किया, इसके बाद आप इंटर, ग्रेजुएशन और फिर अगर तो आपके पास मास्टर भी है तो उसकी भी ऐड करके आपने नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है। वन बाय वन आप इनको भी ऐड कर सकते हैं सारों को, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक ऐड करके दिखाया, तो नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अपना ऑर्गेनाइजेशन करें, पोजीशन क्लिक, स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे बताएं। अगर तो आप फ्लैश अप्लाई कर रहे हैं तो इसको नीरे खाली छोड़ दें। नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है। फाइनली अपना अपना टेस्ट सेंटर बताएं, आप टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं वो प्रोविंस का नाम सेलेक्ट करें, सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करें,
यहाँ पे अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है आपने इस जगह पर, ठीक है। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, वीडियो अगर आपको पसंद आएगी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। इसके अलावा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में या इसकी ऑनलाइन फी पेमेंट करने में कोई इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।